अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। इंसान एक बकरे को लेकर गया मारने के लिए, तो उसने कसाई के पास उस बकरे को छोड़ दिया और कहा इस बकरे को मारो तब तक मैं बाजार से घूम कर आता हूं। तो वो गया। अब बकरे के लिए वो कटार, जो गले को काटने के लिए कटार कसाई पहना कर रहा था, उसी समय उसे हंसी की आवाज आती है। एकदम आश्चर्यचकित, कौन हंसा? एकदम आदमियों की हंसी यहां तो कोई है ही नहीं, बकरे और मेरे अलावा। सोचा मेरा भ्रम है। दोबारा उसने कटार को घिसा पैनी करने के लिए, इतने में बहुत तेज मनुष्य के हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, अब तो डर गया, हाथ से छूट गई कटार। उसने ध्यान से देखा ये हंसी कहाँ से आ रही है, तो उसने देखा बकरा हंस रहा है, मनुष्य की हंसी। ये देखकर वो डर गया। उसने कहा तू कौन सी बलाए है, हंसता है मनुष्य की तरह, कौन है तू, कोई भूत है, प्रेत है, कौन है तू? वो हंसता और कहता है मैं वही हूं, मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि जो आज मैं हूं वो कल तू था, और अगर आज मैंने तेरे लिए कुछ रखा तो कल मैं तेरी तरह बनूंगा, तू बकरा बन जाएगा। और ऐसा 6 जन्म से हो रहा है। जिस धनी ने मुझे बेच दिया था वो धनी सत्संगी था, और सत्संग सुनकर के मेरे मन में ये भाव आ गया कि इस बार तू मुझे काटेगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे मन में दुख प्रकट हो गया था कि मैं बदला लूंगा तुझसे। तो फिर मैं कसाई बना, तू बकरा बना, तुझे काट दिया, इस बार तू कसाई बना, मैं बकरा बन गया। इस तरह से हमारा क्रम चक्र चलता ही आ रहा है। इस बार तू मुझे मारेगा, मैंने क्षमा किया क्योंकि मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूं। तू क्षमा करे ना करे, पर मैंने तुझे क्षमा किया जिससे मेरा ये बंधन कटे, नहीं तो तेरे से प्रारब्ध से मेरा बंध चुका है। और आज उसी तरह से पृथ्वी के गुण से क्षमा सीखें, क्षमा कर दें।